हेलो एवरीवन, आज की मेरे जो अपडेट है वो सीयूटी को लेकर के है। और सीयूटी ने आज एक तो प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दी है, तो आप लोग अपने आंसर की से आंसर भी मिला सकते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी अपडेट है कि सीयूटी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। सीयूटी ने पीजी कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम लिया था उसका स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि ये स्कोर कार्ड आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे और अब आगे क्या करना है वो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, कोई भी चीज आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम स्किप कर देते हैं तभी चीजों को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि अब सीयूटी ने रिजल्ट अपना डिक्लेयर कर दिया है, सीयूटी का स्कोर कार्ड भी आ चुका है। तो सीयूटी का स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है वो प्रोसेस मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको देखिए दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये सीयूटी ने एक प्रोविजनल आंसर की जो फाइनल आंसर की है उसको इन्होंने अपलोड कर दिया है। इसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो ड्रॉप किए गए, मतलब जिनको हटा दिया गया है या जिनके आंसर बदल दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने अपनी आंसर की डाउनलोड करके रखी थी पहले से और उसके बाद आप ये आंसर की देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हालांकि अभी मेरे पास में लगातार बच्चों के इस बात के लिए मैसेज आए कि सर हमने उस समय डाउनलोड नहीं की थी और अभी आंसर की में क्या चेंजेस हुए। तो अब तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता, पर जिन लोगों ने डाउनलोड की सिर्फ वही लोग ये चेक कर सकते हैं। बाय द वे सीयूटी ने अपना रिजल्ट भी दे दिया है, तो अब तो खैर कुछ भी नहीं होगा, आप चेक कर भी लेंगे, पर फिर भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यस आप जितने भी क्वेश्चंस करके आए थे, जितने भी आपने चैलेंज किए थे उसमें आपके कितना स्कोर आया है और अब आगे क्या चीजें आपको चेंजेस करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए क्योंकि ये 600 658 पेज की फाइल है और अगर मैं इसमें बात करूं SCQP 09 कोड जैसे ही मैं डालूंगा यहाँ पर, सॉरी इसमें कोड से नहीं मिलेगा आपको, आपको मिलेगा कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस यदि मैं इसमें एंटर कर दूंगा तो देखिए ये कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर यदि हम ध्यान देंगे तो देखिए ये शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था और ये क्वेश्चन आईडी है, ये ऑप्शन आईडी है। अगर आप थोड़ा सा भी समझ पाएंगे क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन जो करेक्ट था उसकी ऑप्शन आईडी है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, सारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए। देखिए ड्रॉप का मतलब यही है कि इन क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। क्लियर, ओके। मतलब इस पूरे आंसर की में करीब 3 क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप हुए हैं, तो जैसे ही आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर, आई होप कि आप इतनी बात तो समझ गए होंगे। ओके देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए ये पूरी आंसर की में 3 क्वेश्चन यहाँ पर, एक तो क्वेश्चन ये आईडी ड्रॉप है, एक ये ड्रॉप है, दो और ये तीसरा, यानी 3 क्वेश्चंस जो हैं वो रिमूव कर दिए गए थे। इसके बाद में कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनको करेक्ट किया गया है, राइट। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए सीयूटी का आपको पहले तो लॉगिन कहाँ से चेक करना है। देखिए मैंने एक एप्लीकेशन नंबर डाल रखा है, डेट ऑफ बर्थ, आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और ये कैप्चर डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर इसमें लॉगिन पर क्लिक करेंगे, देखिए ये आपका स्कोर कार्ड ओपन होकर जाएगा। ये किसी कैंडिडेट का ही है जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए पार्ट ए में कितने मार्क्स हैं, पार्ट बी में कितने मार्क्स हैं, टोटल कितने मार्क्स हैं, तो इन्होंने आपको दे दिया मैक्सिमम टोटल मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 400। ठीक है, नो सेपरेट इंटीमेशन अबाउट स्कोर कार्ड शैल बी इश्यूड, आपको कोई अलग से स्कोर कार्ड इश्यूड नहीं होगा। बस अब ये स्कोर कार्ड आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, और अपने पास में सेव एस करके रख सकते हो। सपोज दैट मैंने ये डाउनलोड कर लिया, इसको अपन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो, लेकिन स्कोर कार्ड के लिए जो लिंक है वो मैं एक तो आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। और इसके लिए आपको यहाँ देखिए ये लिखा है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड सीयूटी पीजी कोड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये लिंक आपकी ओपन होके आ जाएगी। इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा एंटर जैसे ही करेंगे आप ये चेक कर सकते हो। अब मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो प्रेस रिलीज इन्होंने किया वो 20 जुलाई को, मैंने आपको
जब मैंने सीयूटी का आपको आंसर की बताया था, जब उन्होंने आंसर की चैलेंज के लिए बात कही थी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रिजल्ट जो है वो 20-21 जुलाई के आसपास आ जाएगा। मेरा 95% का ये अनुमान था कि 20 तक ये रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि उन्होंने जो लिखा था वो मिड जुलाई लिखा था, तो 20 जुलाई लगभग मिड हम मान सकते हैं, क्योंकि जब 15 को आंसर की थी उन्होंने तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों के लिए कि देखिए, ये जो एग्जाम लिया गया था पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स थे उन सब के लिए लिया गया था, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये दो फेज में कंडक्ट किया गया था, जैसे 5 से 17 जून के बीच में, जिसमें करीब 8.3 लैक्स अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट अपियर किए गए थे। इसके अलावा फेज टू में कुछ जगह के सेंटर्स पे दोबारा से, मतलब हम कह सकते हैं, करवाया गया, उन्हीं उनमें से कुछ कोर्स थे जिन पेपर्स के 22 से लेकर के 6 जुलाई के बीच में एग्जाम लिए गए, इसलिए रिजल्ट डिले हुआ है। इज दैट क्लियर? जिसमें 46,000 अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स अपियर हुए, इसलिए रिजल्ट को डिले किया गया, और इसलिए ही प्रोविजनल आंसर की आने में इतना टाइम हुआ है। ठीक है, चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो पेपर लिया गया है इसमें 8,77,492, देखिए ये देखिए है ना, कितने लोगों के लिए कराया गया था, कैंडिडेट एंड द एडमिनिस्ट्रेट, इतने टेस्ट हुए। सो द टोटल ऑफ 197 कितने यूनिवर्सिटीज के लिए हो रहा है, ये 197 यूनिवर्सिटीज के लिए, जिसमें सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट और अदर यूनिवर्सिटीज हैं। इसमें 197 यूनिवर्सिटी में करीब 39 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 45 स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज, 10 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज हैं वो 103 हैं। तो 197 यूनिवर्सिटीज का ये पूरा इन्होंने एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको शेयर कर दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। देखिए, ये यहाँ पर दिया गया है कि इतने यूनिक कैंडिडेट लिस्टेड थे और इतने टेस्ट कैंडिडेट के द्वारा दिए गए। ठीक है, क्योंकि एक कैंडिडेट ने मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स में भी अप्लाई किया था। अब बात करेंगे कि द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द 4,597 कोर्सेस, यानी कि कैंडिडेट ने लगभग 4,500 कोर्सेस में अप्लाई किया था, जिसके 157 क्वेश्चन पेपर कोर्स हुए हैं। ठीक है, तो काफी बड़ा ये एग्जाम लेता है और काफी सारे कोर्सेज के लिए लेता है। तो अब बात करेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर वाज 396 एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग इतने, 23 दिन, 60 शिफ्ट में ये एग्जाम लिया गया, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में एग्जाम होता है, 279 शहरों में ये पेपर कराया गया, और 7 आउटसाइडर इंडिया लाइक दोहा, दुबई, मनामा, मस्कट, रियाद, शारजाह एंड बगमाती, तो इन जगह पर ये हुआ है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, काफी सारी चीजें यहाँ पर दी हैं, आप इसको पढ़ेंगे बारीकी से तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता चलेंगी। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हुए, देखिए आंसर की में भी इन्होंने बात की है कि लगभग 5,386 आंसर की चैलेंजेस वर रिसीव्ड आउट ऑफ द 1,422 वर विद द यूनिक चैलेंजेस, कैंडिडेट आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन थ्रू द ईमेल्स एंड लेटर्स एंड दोज आर द हु ऑल्सो शोन एज द कंसर्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, लगभग 4,59,083 कैंडिडेट इसमें यूनिकली थे, जिसके लिए इतने टेस्ट दिए गए, इतने लोग, देखिए 20,000 के आस 2 लाख के आसपास मेल कैंडिडेट, 2,49,000 के आसपास फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूडी, जनरल कैंडिडेट, कैटेगरी वाइज सारा इन्होंने इस बार जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर किया है, कितने नंबर ऑफ फेजेस हुए, कितने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए हुआ, कितने नंबर शहरों में हुआ, सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने दी हैं। उसके बाद में मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है पेपर कोड, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर हुए, ये बात की गई है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा जो कंप्यूटर साइंस का जो कोड है, अगर आप ध्यान दोगे तो SCQP 09 कोड है। ठीक है, ये तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, हर कोर्सेज की यहाँ पर जानकारी दी गई है, आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है उस कोर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है,
हर कोर्सेज की अलग अलग यहाँ पर जानकारी दी गई, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर हुए, है ना। देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखते चलिए आप थोड़ा सा। काफी बड़ा ये है यहाँ पर, शायद ये पीछे हो गया होगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर साइंस यहाँ पर देखिए ये है SCQP 09। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कंप्यूटर साइंस के लिए करीब 36,820 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे और 29,494 ने टेस्ट दिया था। अगर आप ध्यान दें, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर्ड और नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पर दिया हुआ है, तो करीब 29,000 लोगों ने ये एग्जाम दिया था। और क्योंकि ये काफी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, इन सभी के लिए एग्जाम दिया गया है। अब इन्होंने स्कोर कार्ड दे दिया है, इस स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही जितनी भी यूनिवर्सिटी जो एडमिशन दे रही हैं उस पर मेरिट बनाएंगी और इंडिविजुअल हर कॉलेज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। स्कोर कार्ड आ गया आपका। अब स्कोर कार्ड के बाद करना क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे BHU के लिए आपने अप्लाई किया था, आपने फॉर्म भरते वक्त कई सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी और फॉर्म भरने के बाद में आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में आपका एक स्कोर कार्ड आया। स्कोर कार्ड आने के बाद का वो उस स्कोर कार्ड को उस जिस भी यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, लाइक JNU, BHU, DU, ठीक है, या आपने AKTU, या आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं उन सभी के लिए, या फिर लाइक आपके स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए अप्लाई किया है जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपने प्लेसमेंट होता है, या बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी कि मुझे इसमें ही पढ़ना है, कोई ड्रीम आपने यूनिवर्सिटी में आपने बना रखी है कि मुझे जैसे DU में पढ़ना है, तो आप उनको आपने अप्लाई किया होगा। अब क्या करना है कि आपको उस यूनिवर्सिटी के लिए एक एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा। उस एडमिशन फॉर्म में आपसे सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट जितने भी रिक्वायर्ड होंगे वो सारे लिए जाएंगे। साथ ही साथ आपका CUET का स्कोर कार्ड आपको उसमें अपलोड करना होगा। स्कोर कार्ड जब आप लोग अपलोड कर देंगे तो फिर जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट उसमें अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पर वो आपका स्कोर के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट बनाएंगे और फिर आपको वो एडमिशन देंगे। ठीक है, अब बात यह है कि किस स्कोर पर क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होगा कि किस स्कोर पर DU मिलेगा या किस स्कोर पर आपको BHU मिल सकता है, किस स्कोर पर आपको JNU मिल सकता है। देखिए इसलिए अनुमान लगाना मुश्किल है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने JNU के लिए अप्लाई किया है, उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर बहुत अच्छा है पर वो NIMCET ले चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात वो JNU नहीं जाएंगे, या कुछ लोगों को BHU भी मिल रहा है और जो लोग NIMCET में भी एडमिशन ले चुके हैं तो ऑब्वियसली बात वो BHU नहीं जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल है, पर एक अनुमान के तहत हम ये कह सकते हैं कि 180 के ऊपर वाले जो बच्चे हैं जिनका स्कोर 180 प्लस आया है उनको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन 200 या 225 अगर जिनका स्कोर है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक सेम स्कोर है और उसमें JNU, DU या BHU के कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। और मैं आपको उसके लिए थोड़ा अभी आपको रुकना पड़ेगा, मैं अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे AKTU है, MMM गोरखपुर है, इनके भी आप टेस्ट, इनके भी आप कॉलेज के फॉर्म फिलअप करेंगे, इनमें प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा और उसके लिए मैं थोड़ा आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ पाऊँ, आपको कुछ चीजें समझाऊंगा मैं उस वीडियो में कि कौन से कॉलेज ऐसे हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी आपका काम है कि आप स्कोर कार्ड को डाउनलोड करें। ओके, तो बाकी मैं इसके लिए एक सेपरेट सेशन लेकर आऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कौन सी प्रेफरेंस कहाँ पर रखनी है, कौन से कॉलेज को आपको अप्लाई करना है और किस किस कॉलेज में आपके इस स्कोर पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या चांसेस हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही हो, क्योंकि अभी जो चीजें आई हैं वो CUET ने जो जो चीजें इम्पोर्टेंट थी वो देखिए आपको बता दिया एक नोटिफिकेशन के माध्यम से और आपको प्रोविजनल आंसर की के माध्यम से। ठीक है,
ये रैंक कार्ड जारी नहीं करते, रैंक इसमें नहीं देते हैं, तो रैंक नहीं देते हैं, तो यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण ये अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, फिर एक बार बता देते हैं सीयूटी रिजल्ट की ये लिंक यहाँ पर दी गई है, और डायरेक्टली आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पर एंटर करके आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आप कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पर जाएंगे और आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है। बस जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उससे आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।